आज तो ऑफिस के लिए लेट हो गया यार। ओहो 1:30 बजे यार ऑफिस में आने के लिए आज तो। अरे चुनीलाल इतना लेट कैसे आया आज ऑफिस इतना लेट आया आज? नाकर आया क्या? ओह नो। नहीं सर, कल ना वो कल अरे क्या कल कल लगा रखा है यार। इन मेरे सामने बैठ, कम इन फ्रंट ऑफ मी। ओके सर, आता हूँ सर। हाँ बोलो महाशय, इतना लेट कैसे आई? सर कल रात मैं अरे यार कल रात लगा रखा है यार, सीधा बोलना है। ऐसा तेरे साथ कल रात क्या हो गया? ऐसा साफ साफ बता। सर कल मैं शादी में गया था। शादी में गया था? चूतिया एक्सप्रेशन तो ऐसे निकल रहा जैसे पता नहीं तू। अब छोड़ मेरे मुंह से निकल जाएगा, तू रहने दे। हाँ सर शादी में गया था, वो मेरे दूर के चाचा के चाची की बहन की बहन की शादी थी सर। वहाँ मुझे अर्जेंट बहुत जाना जरूरी था यार। हम तो लॉकडाउन से जो है ना दावतों को तरस गए हैं, कोई वाला कार्ड ही नहीं देता। तुझे कैसे मिल गया इनविटेशन यार, तू तो धन्य हो गया। अरे शादी में जाने का और लेट आने का क्या संबंध है? थोड़ा मुझे एलेबोरेट करके बता। सर पूरी फैमिली गई थी पार्टी खाने के लिए कल। पूरी फैमिली? यार 50 लोगों की तो पूरे फंक्शन में परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से, तू पूरे परिवार को लेके जाके दावतें खा के आ रहा है। सर वो क्या है कि हम दोनों ने थोड़ा चालाकी से काम किया। पहले मैंने अपनी वाइफ को फंक्शन में एंट्री कराई और फिर मैं पीछे से एंट्री कर गया और दोनों ने दबा के खाना खाया। सर पूरी भड़ास निकाल ली हमने लॉकडाउन से बाद की, दबा के खाना खाया सर। क्यों, कई महीने से भूखा पड़ा था क्या? हाँ सर। सर मगर मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग भी, आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि लॉकडाउन से आप कहीं शादी में ही नहीं आए। भाई देर से ऑफिस क्यों आया मुझे ये बता, मुद्दे पर आ, दावतों में मजे मत भटकवा। सर वो क्या है कि रात को थोड़ा पार्टी से लेट आए थे और हम लेट सोए, सोते सोते सर नींद बहुत गहरी आ गई और गलती से मेरी वाइफ की जो टांग थी मेरे पिछवाड़े पे लगी, मेरी आँख खुली और जब मैंने टाइम देखा तो 11 बज चुके थे सर। और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को जगाने की कोशिश करी, मेरी वाइफ ने एक और टांग मेरे पिछवाड़े पे देके मारी सर, और मैं भगा भगा ऑफिस आ गया। मैंने चाय भी नहीं पी सर, नाश्ता भी नहीं किया सर। देखो मैं कितना लॉयल हूँ अपने ऑफिस के, अपने काम के प्रति। यार तेरी तो बड़ी दर्द भरी कहानी है, पिछवाड़े पे लात और बगैर नाश्ता के तो आ गया ऑफिस। चाय पीगा क्या? मंगवा लो। ला पैसे निकाल, पैसे दे। सारे काम करो, रहने दो मुझे चाय नहीं पीनी, मैं घर जाके पी लूंगा ऑफिस से। जब घर जाऊंगा तब चाय मेरी बीवी मुझे बना के दे देगी। सर 2-4 दावत और हैं अभी तो, आप प्लीज एडजस्ट कर लेना सर, प्लीज प्लीज है। हाँ तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा मगर आप बनता है इतना तो सर, अपना हक इतना हक तो बनता है आपसे बोलने का। ओह नो, कमाल का आदमी है यार। और बता तेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है।